हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आशी गौतम पर। आज मैं इस वीडियो में सिल्क की साड़ी का सूट बना रही हूँ। आपको ये सूट कैसा लगा लाइक और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई सुजेशंस हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने मेरे आइडियाज़ को बहुत प्यार दिया है, बस इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा ताकि मैं आपके साथ नए नए आइडियाज़ शेयर करती रहूँ। तो पीच और लाइट पर्पल कॉम्बिनेशन में ये साड़ी है। साड़ी बहुत सुंदर है लेकिन काफ़ी पुरानी हो गई है, तो पड़े पड़े ख़राब होने से अच्छा है कि इसका रीयूज़ कर लिया जाए। तो इसीलिए मैं इसका सूट बना रही हूँ। मैं ट्राई करूँगी कि कंप्लीट सूट इसी में से निकल जाए। तो साड़ी का पल्लू एरिया इस तरह का है जिसमें पूरा वर्क हो रखा है। यहाँ से पल्लू की स्टार्टिंग है और इस तरह से ये वर्क हो रखा है। बीच में बॉर्डर्स हैं और पल्लू के बाद पूरी की पूरी साड़ी प्लेन है, सिर्फ साइड में बॉर्डर्स हैं। जो बॉटम साइड का बॉर्डर है उसमें सीक्वेंस वर्क भी हो रखा है और जो अपर साइड का बॉर्डर है वो प्लेन है। सबसे पहले मैं दुपट्टा बना रही हूँ, तो दुपट्टे के लिए मैं पूरे पल्लू एरिया का यूज़ करूँगी। कम से कम 2 मीटर दुपट्टा तो मुझे चाहिए ही, तो उसके लिए मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ। तो ये दुपट्टा हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये पल्लू 2 मीटर का है हमारे पास। तो यहाँ से ये प्लेन एरिया स्टार्ट होता है, वहाँ से मैं पल्लू को साड़ी से सेपरेट कर लूँगी दुपट्टा बनाने के लिए। दुपट्टे के दोनों साइड्स पे बॉर्डर्स होते हैं, तो वो बनाने के लिए मैं यहाँ से कट करूँगी बॉर्डर्स को और दूसरी साइड दुपट्टे के दूसरी साइड पर अटैच कर दूँगी। तो सेम बॉर्डर बनाने के लिए मैंने यहाँ इतना पोर्शन ये छोड़ दिया है और यहाँ से मैं कट करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से अटैच किया है। अब एक सिल्वर कलर का बॉर्डर हमारा एक साइड पे रह गया है और दूसरा बॉर्डर जो है वो हम दूसरी साइड अटैच कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरफ बॉर्डर नहीं है, तो हमारे जो हमने कट किया है पीस उसके साथ वो बॉर्डर है। तो इस तरह से इस बिल्कुल सेम बॉर्डर हमारे अटैच हो जाएंगे। अब इस पार्ट को भी कट करके मैं दुपट्टे के दूसरी साइड पे इसको अटैच कर लूँगी और ये देखिए बिल्कुल सेम बॉर्डर्स हमारे रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे हम जॉइंट लगा देंगे, तो जॉइंट लगाते वक्त भी मैं यहाँ पे लेस का यूज़ कर रही हूँ। ये लेस मैंने 10 रुपीज़ पर मीटर ली है और गोटा पट्टी जैसे लुक में है ये, और इस तरह जॉइंट्स के ऊपर मैं इन्हें अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दुपट्टा मेरा रेडी हो गया है। इस तरह से मैंने जॉइंट्स लगा लिए हैं, उसके अंदर वो जो गोटा पट्टी लेस थी वो मैंने अटैच कर ली है और दोनों तरफ हमारे सेम बॉर्डर्स आ गए हैं। और इसके लेस के साथ साथ मैंने यहाँ पर टेसल्स भी लगाए हैं, दोनों साइड्स में मैंने टेसल्स लगा दिए हैं और इस तरह से हमारा ये दुपट्टा रेडी हो गया है। अब जो मेरे पास प्लेन फैब्रिक बचा है उसकी मैं कुर्ती और ट्राउज़र बनाऊंगी और जो स्लीव्स हैं वो मैं अपने ब्लाउज से अनस्टिच करके कुर्ती के ऊपर स्टिच कर लूँगी। अभी फैब्रिक को मैं विड्थ वाइज कट करूँगी तभी मैं सूट कंप्लीट कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती कट करने के लिए फैब्रिक रखा है, तो उसको मैं विड्थ वाइज ही कट कर रही हूँ। तो इसके दोनों साइड्स पर बॉर्डर्स आ गए हैं,
तो बॉटम साइड में तो मुझे बॉर्डर्स चाहिए, लेकिन जो अपर साइड है कुर्ती की उसमें मुझे बॉर्डर्स नहीं चाहिए, तो मैं वो वहाँ से कट कर दूँगी और वहाँ पे मैं प्लेन जो फैब्रिक है वो अटैच करूँगी। शोल्डर साइड पे मैंने प्लेन फैब्रिक अटैच कर लिया है और एक नेक लाइन रेडी कर ली है दो बॉर्डर्स को अटैच करके। उसके ऊपर मैंने लेस लगा ली है। अब मुझे इसे कुर्ती के ऊपर अटैच करना है, तो उसके लिए मैंने कुर्ती का सेंटर बना लिया है। नेक लाइन का सेंटर और कुर्ती के सेंटर को अच्छे से मिला के यहाँ पे मैं फिक्स कर लूँगी। नेक लाइन को हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर तो नेक की विड्थ ज़्यादा है तो इसे हम नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से हमारा नेक स्टार्ट होता है, और अगर विड्थ कम है तो हम ऊपर इसे थोड़ा ऊपर शोल्डर के पास फिक्स करके इस तरह से हम इसे अटैच कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका नेक की जो विड्थ है वो कितनी है। मैंने अपने नेक की विड्थ 2.5 इंच रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये जो नेक लाइन है इसको ऊपर से रख के ही इसके साथ स्टिच करूँगी। बॉर्डर को मैंने कुर्ती के ऊपर अटैच कर लिया है। अब मैं नेक की कटिंग कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने विड्थ 2.5 इंच और नेक जो है हमारा 6.5 इंच मैंने डीप रखा है और कटिंग कर ली इसकी। और इसको सीधा करके इसके ऊपर जो मैं लाइनिंग यूज़ कर रही हूँ सूट के अंदर वही मैं उसके ऊपर रख के इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। इससे एक तो लाइनिंग भी इसके साथ अटैच हो जाएगी और साथ में नेक लाइन भी बन जाएगी। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी और ये देखिए हमारी नेक लाइन कंप्लीट हो गई है और साथ में हमारी लाइनिंग भी अटैच हो गई है। मैंने स्लीव्स भी रेडी कर ली हैं, उसके ऊपर भी मैंने लेस लगा दी है। तो कुर्ती को स्टिच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। साड़ी में से ये टोटल फैब्रिक मेरे पास अब बचा है, तो इसके बॉर्डर्स हटाकर मैं ट्राउज़र बनाऊंगी इसका। कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। अब ये इस तरह से हमारा डिज़ाइन बना है कुर्ती का। सिल्क फैब्रिक थोड़ा डेलिकेट होता है, तो उसके लिए मैंने पूरी कुर्ती पे और ट्राउज़र पे लाइनिंग लगाई है। स्लीव्स पर भी मैंने लाइनिंग लगाई हुई है और जो स्लीव्स की बॉर्डर्स हैं उसमें भी लाइनिंग अटैच की हुई है। कुर्ती के दोनों पल्लों पर बॉर्डर्स आ गए हैं और सेम डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने वही लेस जो है वो इस पे बॉर्डर्स पे भी अटैच कर दी है। और ये जो इसके अंदर मैंने लाइनिंग लगाई है उसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है ताकि ये बॉटम से हैवी रहे, क्योंकि बॉर्डर्स के ऊपर मैंने किसी तरह का भी कोई भी हैवी फैब्रिक अटैच नहीं किया है, तो मैंने लाइनिंग को ही हैवी बना दिया है। कुर्ती का बैक जो नेक है वो बिल्कुल सिंपल है, राउंड नेक है और सिंपल बॉर्डर है। इसकी जो सीम्स हैं उनको अच्छे से प्रेस करके हम बिठा लेंगे। ये इसके साथ मैंने ट्राउज़र बनाया है, इसके अंदर भी लाइनिंग अटैच की है। जब भी हम ट्राउज़र बनाते हैं तो जो लाइनिंग है उसको नीचे तक अटैच नहीं करना चाहिए, पोंचे के पास आके लाइनिंग को अलग से स्टिच करना चाहिए, मतलब जो सिलाई लगाते हैं हम फोल्ड करने के लिए वो अलग से स्टिच करना चाहिए। तो वही मैंने किया है, तो उससे जो आपका ट्राउज़र की नीचे से शेप बहुत अच्छी आएगी पोंचे से। हमारा कंप्लीट सूट साड़ी से रेडी हो गया है। अगर साड़ी की लेंथ कम हो तो हमें कुर्ती और दुपट्टा साड़ी से निकाल लेना चाहिए और जो ट्राउज़र के लिए फैब्रिक है वो मार्केट से लेना चाहिए। देखते हैं सूट का फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, अगर ये आइडिया अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।